आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बीए बीएससी एनुअल एग्जामिनेशन सीसीएसयू 2020 का, और इसके मीडियम से आज हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे जो 2020 और 21 दोनों में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी लाइव आ जाइएगा जल्दी जल्दी से। इस पेपर का कोड होने वाला है 511 और ये बीए फाइनल ईयर बीएससी एनुअल एग्ज़ाम 2020 का करेंगे पहले, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं 2021 का, जिसका कोड होने वाला है 511। चलिए फ्रेंड्स, आप लाइव आ जाइए, हम थोड़ा आपको टाइम दे रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल लियर सर में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, उष्ण मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक उदाहरण है, तो वह है सहारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूर्य से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है, तो वह है फ्रेंड्स ओजोनोस्फीयर, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राकृतिक चट्टान की सतह पर प्रागैतिहासिक उत्कीर्ण अथवा चित्रकारी क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा शिलोत्कर्णन। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रकृति संरक्षण सीए रामे सब जगह जानी करहूँ प्रणाम चोरी झुक जानी पानी के दर्शन पर आधारित यह हम सबको .. की रक्षा के लिए अभिप्रेरित करता है, तो यह संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए हमें अभिप्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्रिडिया लेम्बिया क्या है, तो इसका सही आंसर है ग्रिडिया लेम्बिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी प्रोटोजोवा है जो नदियों और झीलों में बहुतायत से पाया जाता है, जो यदि भले प्रकार उपाचित न किया जाए तो उसमें मनुष्य को डायरिया सुस्ती और मरोड़ पीड़ित कर देता है जो इसे निकल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर छः की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छः, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने घुमाया है, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल कंटिन्यू पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर है 21 जून, और योग दिवस भारत ने ही बनाना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए भारत ही इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है विश्व के समस्त देशों के लिए। यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके पूछा है आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जा सकता है कि उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप याद रखेंगे 5th of June। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, गोलार्ध में वर्ष के किस दिन सर्वाधिक घंटे का प्रकाश रहता है, तो 21 जून को ही बड़ा दिन रहता है। क्वेश्चन नंबर आठ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो फ्रेंड्स वह है भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो 0° से होकर गुजरती है, तो भारत के नीचे से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यह भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप तैयार कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वायुमंडल की परत कौन सी नहीं है, तो जलमंडल, एक बार आप कमेंट कर देंगे अगर आपको सही दिख रहा है सब कुछ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरातल से वायुमंडल की दूरी की दूसरी परत कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्ष ही जीवन है, यह ब्रह्मदत्त अवस्थी का कथन है, अर्धकुंडे रीडर का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धकुंडे पुस्तक है, और कुमारी सेम्पुल अमेरिकन है, और कॉस्मोस हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने भूगोल का विशेष अध्ययन गहनता से किया है, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक कॉस्मोस लिखी है जिसमें ब्रह्मांड के अध्ययन को उन्होंने दर्शाया है, तो इस प्रकार आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव रेड जेल के नृतात्विक भूगोल की धारणा पर आधारित मैं कुमारी सैंपल चर्चिल अपनी पुस्तक प्रस्तावना के दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में कहती हैं कि रेड जेल ने नृतात्विक भूगोल को एक सुरक्षित मानविक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर महान सेवा की है। नृतात्विक भूगोल संबंधित है तो फ्रेंड्स ये है मानव से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेडरिक विलहेम हेनरिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे? तो ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा है कि मानव भूतल की उपज है? इसका अभिप्राय केवल यह नहीं है कि वह धरती की एक संतान है, उसकी धूल का एक कण है, बल्कि धरती ने उसे मातृत्व दिया है, उसके कार्य निर्धारित किए हैं, उसके विचारों में मोड़ा है, कठिनाइयों से उसका अपना सामना कराया है, जिसके उसके शरीर को मजबूत किया है और उसकी चाह को धार दी है, उसको नोहन अथवा सिंचाई की उसकी समस्याएं दी हैं और उसी समय उसके निराकरण के संकेत उसके कानों में फुसफुसा दिए हैं। तो यह कथन जो है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का है, जो अमेरिका की एक भूगोलवेत्ता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गेटे ने अपने इकरमैन के साथ संबंध में कहा है कि हम्बोल्ट के साथ बिताए गए एक दिन ने उन्हें वर्षों के बिताए गए एकाकी दिनों से कहीं अधिक समृद्ध और उल्लसित हूँ। क्या आदमी वह है? डॉट 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 ज्ञान और जागरूक बुद्धिमत्ता में उसका कोई सानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इसको यदि पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, क्योंकि जो ये है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूजीन प्लेजिनेंस ओडम एक अमेरिकन परिस्थिति वैज्ञानी थे जिन्होंने प्रमुख रूप से जॉर्जिया विश्वविद्यालय में कार्य किया था। उनकी पुस्तक का प्रथम संस्करण 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक का नाम है परिस्थिति के मूल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। न्यूयॉर्क में प्रकाशित धरती और मनुष्य मानव भूगोल द अर्थ एंड अ मैन ए ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरल्ड डॉग डेविस, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। क्वेश्चन नंबर 19। स्कॉटिश भौगोलिक पत्रिका में किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल में जैसा कि एक दूसरे विषयों में हम बंधना चाहते हैं, शब्द शिक्षण को विषय वस्तु शिक्षण से जिस प्रकार शब्दों को बताया जाता है, भौगोलिक शिक्षण उसी प्रकार अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, वह वास्तविक और नियोज्य होना चाहिए, यह पर्याप्त नहीं है, वह केवल कानों को प्रिय लगे, आंखों को भी भलीभांति अभ्यस्त होना चाहिए, सबसे पहले उस भूमि तल को देखकर जिससे भूगोल के प्रारंभिक अध्याय समझे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हार्बर्टसन एंड एंड्रयू जोन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ईको से क्या अभिप्राय है? तो ईको ग्रीक भाषा से लिया गया एक उपसर्ग है जो घर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने लिखा है कि नीला आसमान धूप और छाँव, देखिए जहाँ भी धूप और छाँव और नीले आसमान का जिक्र आए तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे ही आंसर लगा देंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 22। इकोसाइड से क्या समझते हैं? तो किसी भी परिस्थिति के भाग का अथवा समस्त सुनियोजित तरीके से उन्मूलन, ये इकोसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इकोलाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलाइन से क्या अभिप्राय? तो किसी भी परिस्थिति अथवा समूह की पर्यावरणिक दशाओं में लगातार धीरे धीरे होने वाले भौगोलिक परिवर्तन का ढाल या उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 24 सही उत्तर लगाना है। इंडोलिथिक, देखिए यह किसी पत्थरों अथवा उसके बीच अंदर पनपने वाले प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये सही लिखा हुआ है। और इंडोफाइट, एक जीव जो अपने जीवन चक्र का एक भाग अपने पालक पौधे पर परजीवी के रूप में अथवा अन्योन्याश्रित संबंधों के रूप में जीता है, ये भी सही है। इंडोरिक ये भी सही है और इंडोथर्मिक ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर नंबर बी सही है, जिसमें 1, 2, 3 सभी आपस में मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए IGU के अध्यक्ष और प्रिंस बोनापार्ट और ईसा सोमेन और इमैनुअल डी मार्टोनी। देखिए इमैनुअल और बोनापार्ट जो है वो फ्रांस के हैं, आप इनसे याद रखिए, दो शब्द याद कर लीजिए, इमैनुअल और बोनापार्ट, और आगे देख लीजिए फ्रांस किस में लगा हुआ, वहाँ पे आप मैच कर देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट,
मीन्स कि आपका जो भी सीक्वेंस में दे रखा है ये सारे के सारे सीक्वेंस में दिए हुए हैं और सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्तमान समय में प्रोफेसर आर बी सिंह आईजीयू के जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष हैं, आईजीयू से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है आईजीयू इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ल्ड घास के मैदान कहाँ है? तो वर्ल्ड घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, पंपास दक्षिण अमेरिका, और डार्लिंग डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे डाउन्स बाउंस बोल के याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में फेंके जाते हैं, तो वहाँ से डाउन्स मतलब बाउंस ऑस्ट्रेलिया, और प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में। तो इस प्रकार इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वायु जल मिट्टी जंगल अथवा वन्यजीव जैसे संभावित नवीनीकरणीय संसाधनों के विनाश अथवा क्षरण को जो प्राकृतिक रूप से नवीकृत होने की गति से अधिक तेजी से उपभोग करने के कारण होता है, कहलाता है पर्यावरणीय अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, वह जल जिसमें